भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग आज एसपी केवल कुमार के आवास पर पहुंचे। अमृतसर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम से भाजपा के सभी वरिष्ठ मेंबर केवल कुमार के आवास पर पहुंचे और तरुण चुग का अभिनंदन किया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तरुण चुग ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वेस्ट अलकैदे सारे सीनियर लीडर्स इकट्ठे हुए ने और एसपी केवल कुमार जी ने मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने 49 करोड़ रुपया रीगो ब्रिज से दिता और प्रोग्राम रखा सी और मैनू आशीर्वाद देने से बुलाया सी। बहुत अच्छा काम किया मोदी साहब ने। अमृतसर दी लाइफ लाइन है रीगो ब्रिज और रीगो ब्रिज से जो मोदी साहब ने किया है कि बिना स्टेट शेयर लितया, बिना लोकल कारपोरेशन को शेयर लितया, 100% पैसा केंद्र सरकार उत्ते लगाएगी। एरा मैं धन्यवाद करना और अज की साड़ी इतों की लोकल लीडरशिप ने भी मीटिंग करके प्रस्ताव पास करके मोदी साहब का धन्यवाद किया और वंदे भारत ट्रेन चलान की जी मोदी साहब ने घोषणा की और इसे जड़ी जड़े लिंक बनने वाले ने और इसे पैसा भी दिता। कुल 111 करोड़ रुपया पंजाब नूं दिता उन्होंने और इस तो अलावा लगातार मोदी साहब प्रधानमंत्री बनन तो बाद अमृतसर नाल उन्होंने बहुत प्यार रख्या, चाहे वो अमृतसर नूं बॉम्बे कटरा लिंक नाल जोड़न दी गल होवे, अमृतसर च IMM देन दी गल होवे, खुद लंगर दा टैक्स माफ करन दी गल होवे, गलियारा प्रोजेक्ट बनाने दी गल होवे, दुर्गियाना दा गलियारा प्रोजेक्ट असे पैसा होवे या प्रसाद स्कीम दे विच लिया के जड़ी जड़ी प्रॉपर्टीज़ दे दुर्गियाना मंदिर की डिमांड उन्हें पूरा करन दी गल होवे, अमृतसर दे क्लबां दी गल होवे, हर मुद्दे ते प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृतसर का नाँ आंदियां ही उस प्रोजेक्ट नूं ओके कीता। असी अमृतसर दे सारे वसनीक मोदी साहब का धन्यवाद करने हैं। इस अवसर पर एडवोकेट कुमार अमित, SP केवल कुमार, अरविंद पार्षद रमन कुमार, डॉक्टर राजकुमार वेरका, राजेंद्र मोहन सिंह शिना, बख्शी राम अरोड़ा, हरजिंदर सिंह ठेकेदार सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। इस पर बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज साढ़े राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी साढ़े घर आए, उन्हों का असी स्वागत किया। एक छोटा जहा प्रोग्राम असी उन्होंने धन्यवाद लिए रखा सी, जिहड़ा कि उन्होंने अमृतसर नूं एक जो सा रिको ब्रिज इन्ना पुराना जी जी बुनियाद खत्म हो चुकी है उहदे लई उन्होंने सेंटर तक फंड दवाया, नाल दी नाल जी वंदे मातरम वंदे भारत जो जी ट्रेन है वह भी बड़े टाइम तो जी सा उड़ीक सी वो खत्म हुई है कि अज वो भी कहते कि अप्रैल के महीने वो चालू हो जाएगी। तो असी वेस्ट हल्के वालों असी सारे नूं एक मौका मिलिया उन्होंने धन्यवाद करने का, करके एक ये प्रोग्राम इतने इसे रखा सी उन्होंने धन्यवाद लिया। तो ये थी अमृतसर से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।